ओके सो हम लोग पढ़ रहे थे क्या फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में देखिए हम लोग क्या क्या देख लिए थे। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, प्रोजेक्ट अलाउंसेस हो गया, ऑल अदर सिमिलर अलाउंसेस नॉट कवर्ड अर्लियर, यानी जो पीछे अलाउंसेस नहीं दिए गए, यानी कि उसके अलावा कोई भी अलाउंसेस के नाम पे आपको मिले फुली टैक्सेबल, जैसे लाइक लंच अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, डॉग अलाउंसेस, पता नहीं किस किस तरह के अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह के अलाउंसेस जो भी होते हैं वो बाकी फुली टैक्सेबल हैं, बाकी हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर रखे हैं कौन सा फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ओके सो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना था, इसके अलावा क्या है। ओके एक और चीज़ है जिस लाइक लीव ट्रेवल अलाउंसेस, लीव ट्रेवल अलाउंसेस नेक्स्ट ईयर में कवर किया गया आगे। लीव ट्रेवल अलाउंसेस होता क्या है मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, लीव ट्रेवल अलाउंस मतलब अगर सपोज करो कंपनी आपको हर 2 साल पे 3 साल पे आपको एक बार देती है ये चीज़ लीव ट्रेवल अलाउंस, मीन्स एक तो छुट्टियाँ भी देती हैं, लीव भी देती है, छुट्टी भी देती है, और प्लस ट्रेवल अलाउंसेस घूमने फिरने के लिए कुछ पैसे देती है कि भाई आप जाओ थोड़ा घूम फिर लो। ऐसा क्यों करती है कंपनियां, जाहिर सी बात है अपने एम्प्लॉयज़ को रिफ़्रेश करने के लिए, ताकि अपनी फैमिली के साथ वो घूम लो है ना, और थोड़ा सा रिफ़्रेश होके फिर से काम पे आओ। हर 2 साल पे एक बार देती है या 4-3 साल पे 2 बार, इस तरीके से कुछ होता है पॉइंट। तो लीव ट्रेवल कंसेशन अगर सपोज करो कंपनी आपको देती है तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम इस पर भी एग्जम्पशन देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियरली लाइन में बोला कि आप किसी को टूर पैकेज दे रहे हो कि आना जाना खाना पीना सब उसमें है, तो भाई हम इतना एग्जेम्पशन हम नहीं देंगे, हम एग्जेम्पशन कितना देंगे सिर्फ आने जाने का खर्चा। ओके यानी कि आप आने जाने का खर्चा देख लो, आने ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे क्या चीज़ लीव ट्रेवल अलाउंसेस की बात कर रहे थे हम लोग, जितने भी मतलब कि आना जाना, फॉर एग्जांपल तुम अगर घूमने के लिए अगर सपोज करो जा रहे हो केरला जा रहे हो, तो केरला का जो भी अगर ट्रेन से गए हो तो ट्रेन में देख लेते हैं एसी का, अगर फ्लाइट से गए हो तो फ्लाइट में भी देख लिया जाता है कि इकोनॉमी क्लास का जो फेयर होता है आने और जाने का। अब अगर कंपनी ने तुमको सपोज करो 40,000 रुपये तुम्हारे ऊपर खर्च किया, पूरा टूर पैकेज था तुम्हारा, लेकिन केरला आने जाने का जो खर्चा था करीबन 22,000 रुपये ही था, तो आपको भले कंपनी ने 40,000 रुपये आपके ऊपर खर्च किया है तो 22,000 रुपये ही आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी 18,000 रुपये टैक्सेबल हो गया, वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। ओके नेक्स्ट ईयर में दिया है वो आगे आप लोग पढ़ भी सकते हो ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, अब हम लोग को पढ़ना क्या है नीचे देखिए वार्निंग भी दे रखा है, क्या वार्निंग है, सैलरी टैक्स पेयर क्लेमिंग एचआरए एग्जेम्पशन एंड पेइंग अ रेंट ऑफ ओवर ₹1 लाख पर ईयर यानी 8,337 हैव टू गिवन लैंडलॉर्ड्स पैन टू द एम्प्लॉयर। अच्छा ये अच्छी बात है, आप लोग पहले ही समझ लो कि अगर सपोज करो तुमको एचआरए मिल रहा है और तुम रेंट कितना देते हो, तुम अगर साल भर में 1 लाख से ज़्यादा का रेंट दे रहे हो या फिर कह लो 8,337 रुपये से ज़्यादा अगर रेंट हर महीना देते हो, तो तुम्हें अपने एम्प्लॉयर का पैन नंबर भी अपने मतलब कि सॉरी अपने जो कम जहाँ पे भी तुम रह रहे हो मकान के ओनर का जो पैन नंबर है वो अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होगा, ये एक रूल है इनकम टैक्स का। ओके तो इन केस द कंपनी इन द केस, अब देखो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, इन केस द लैंडलॉर्ड डज नॉट हैव पैन, सपोज करो अगर लैंडलॉर्ड के पास पैन नहीं है, अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड अलॉन्ग विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड शुड बी फाइल्ड बाय द एम्प्लॉय। मान लो तुम्हारा लैंडलॉर्ड हो, तुम्हारा जिस भी मकान में रहते हो तुम दे रहे हो 1 लाख से ज़्यादा साल भर में रेंट, लेकिन उस लैंडलॉर्ड के पास पैन नहीं है, तो क्या करो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाओ उससे, और उस पर उसका लैंडलॉर्ड का नाम और एड्रेस क्लियर होना चाहिए, वो जमा करना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, वॉट इज द एग्जाम्पल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पे टैक्सेबल एचआरए निकालना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, मिस्टर जी ओके अ रेजिडेंट ऑफ रांची रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
सोलह सत्रह, तो हम लोग सोलह सत्रह को चेंज कर लेते हैं, उन्नीस बीस कर देते हैं। ओके, बेसिक सैलरी कितनी है? चार चार लाख अस्सी हज़ार रुपये। डीए कितना मिलता है? अड़तालीस हज़ार रुपये। कमीशन कितना मिल रहा है? उन्होंने 9 लाख की सेल कराई है तो उस पर 7% कमीशन बन रहा है। ओके, एचआरए कितना मिल रहा है? हर महीना 5000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। ही पेड 6000 रुपीज़ एचआरए, सॉरी रेंट, हाउस रेंट वो कितना देता है? करीबन 6000 रुपये पर मंथ। अब नीचे देखो सॉल्व किया गया, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है उसको? 60000 रुपये। देख लीजिए उसको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, एच आर ए 5000 रुपये एक महीने का, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 60000 रुपये। अब लेस एग्जेम्पशन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहला पॉइंट देखिए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल एच आर ए कितना मिल रहा है? 60000 रुपये। फिर कह रहा 40% ऑफ सैलरी, क्यों 40% कहा? क्योंकि देखो कहाँ है, रांची की बात कर रहा है, रांची की बात कर रहा है तो रांची मेट्रो सिटी तो है नहीं, इसलिए 40% ही सैलरी का होगा। तो यहाँ देखो 40% ऑफ सैलरी किया गया। ओके, और सैलरी कितनी है? 5,91,000। ये 5,91,000 कैसे सैलरी आई? चलिए नीचे वर्किंग नोट पे देखते हैं। बेसिक सैलरी थी 4,80,000 रुपये, डी एन एस अलाउंस था 48,000 रुपये, कमीशन 7% हो जाता है 9 लाख के ऊपर 63,000, सब मिला के 5,91,000 रुपये सैलरी है। तो इसलिए 5,91,000 सैलरी का 40% किया, 2,36,400 आ रहा है। रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, तो रेंट देखिए कितना दिया था, 6,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट देता हर महीना वो, तो 12,72,000 रुपये -10% ऑफ सैलरी, तो इसका 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा, ये गड़बड़ है। ओके, 59,100 रुपये। तो 72,000 में से जब 59,100 गया तो कितना बचा? 12,900। अब देखो इन तीनों में से कौन कम है, इन तीनों में से कम है 12,900, यानी कि एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा एचआरए में? 12,900 का एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो 12,900 रुपये फाइनली क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। 60,000 मिला था इनको एचआरए, उसमें से 12,900 का एग्जेम्पशन, यानी 47,100 रुपये एचआरए टैक्सेबल हुआ। दिस इज द टैक्सेबल एचआरए। ऑलरेडी हम लोगों ने एचआरए का कैलकुलेशन किया था, बाकी नीचे दे रखा है कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए यूजिंग एक्सेल, आप एक्सेल में भी ये सब कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो हम लोगों ने शायद एक्सेल पे ही किया था। अब नीचे और क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी असेसमेंट ईयर 17-18। 17-18 को मैं फिर से सही कर दूं, इसको 19-20 लिया जाए। असेसमेंट ईयर नहीं, नहीं असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब प्रीवियस ईयर 19-20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है? 20,000 पर मंथ है। बोनस, आप सभी को पता है बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है, बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है 10,000 रुपये। लीव सैलरी यानी जो छुट्टियाँ इसने नहीं लिया उसका पैसा मिल रहा है, ये भी अगर हर साल मिल जाता है फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस देखिए 2,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस 2,000 रुपये हर महीना मिलता है। और याद है ट्रेवलिंग अलाउंस आपने पढ़ा है कि जितना खर्च हो जाएगा इतना एग्जेम्प्ट बचा लिया तो टैक्सेबल, तो 2,000 पर मंथ मिल रहा है। और एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 1,800 रुपये, 18,000 नहीं होगा। ओके, तो फिर से देखिए यहाँ पे सब लोग 2,000 रुपये मिल रहा है बट 1,800 रुपये वो खर्च कर दे रहा, बचा कितना रहा है? 200 रुपये हर महीना बचा ले रहा है, तो 12×2=2,400 रुपये टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस 400 रुपये मिल रहा है और देख रहा है कि हर महीना मेडिकल अलाउंस 400 मिलता है लेकिन वो खर्च कितना कर रहा है? 300 रुपये। तो सबने पढ़ा था मेडिकल अलाउंस में 1 रुपये का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, मेडिकल अलाउंस पे खर्च उर्च कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, यानी पूरा का पूरा 400 रुपये हर महीना पूरी तरह से टैक्सेबल है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मिल रहा है और ही हैज़ 3 चिल्ड्रंस, उसके पास 3 चिल्ड्रंस हैं, उसको मिलता है 300 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ, यानी ये 3 चिल्ड्रंस पे 900 रुपये मिल रहा होगा। ओके, और 12×9 जा होता है 108, यानी 10,800 रुपीज़ उसको मिल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम पे।
ध्यान रखिएगा सिर्फ 2400 रुपये ही एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि आपको पता है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो देखिए कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे पहले बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी कितनी है 20,000 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे क्यों लिखा है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे होगा ओके। तो 12,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12 is 2 lakh, 40,000 बोनस फुल्ली टैक्सेबल, लीव सैलरी फुल्ली टैक्सेबल ओके, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिला 24,000 रुपये, लेकिन उसमें पता है 1,800 रुपये खर्च किया है 12 महीना, तो इतना रुपये एग्जेम्प्ट ओके। तो 2400 में से 21,600 रुपये गया, तो कितना बचा 2400 रुपये टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस कितना 400 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल होता है, 4800 रुपीज़ फुल्ली टैक्सेबल हो गया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिल रहा है 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, 3 चिल्ड्रंस पे मिल रहा है, 12 महीने के लिए 10,800 मिला, उसमें से लेस एग्जेम्पशन 100 रुपीज़ 2 चिल्ड्रंस पे 12 मंथ्स, 2400 रुपये माइनस 8,400 रुपये टैक्सेबल। तो ये देखो पूरा हो गया, टोटल सैलरी इनकी निकल गई 2,75,600 रुपीज़। तो ये सब ने देखा, लेकिन ध्यान रखना यानी कि सैलरी का कंपटीशन में कुछ है नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कितना एग्जेम्पशन है कितना टैक्सेबल है, टैक्सेबल अमाउंट बस हमें निकालना है अलग करना है। फाइनली 2,75,600 रुपीज़ टैक्सेबल है। अगला टॉपिक है हम लोग का परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स हम लोग कल से पढ़ेंगे। यानी कि अभी तक हमने देखिए कितना कवर किया, अभी तक हमने कंपटीशन में 2 पॉइंट कवर कर लिए, पहला ये पॉइंट पूरा कवर हो गया, सेकेंड पॉइंट टैक्सेबल अलाउंसेस हम लोग ने कवर कर लिया। अब वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे ओके। सो आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ।